हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं एक सोलोपर इंडिया से, और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरी एमपीए की जर्नी 83 डेज़ की और नियर अबाउट 83 डेज़ की जर्नी है, और जो है मैं इसको आपको लाइव विड्रॉल करके बताऊँगा एमपीए से। ठीक है, वैसे तो आपने अगर करा लिया होगा तो बेस्ट है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दूंगा और कैसे आपने इसकी आगे बढ़ना है और कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें जाने से पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपने मेरे प्रोग्राम में किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम में ज्वाइन करना हो तो आप मेरे को यहाँ पे आके ये मैं पेज आपको दे दूंगा, यहाँ पर आके आपने मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे यहाँ पर क्लिक करके मेरे को कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में या कोई भी क्वेश्चन आपने और पूछना हो तो। ठीक है, तो इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। ये लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी आके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ये भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, इसको भी बंद करता हूँ अभी। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ माई पेइंग एड्स में। माई पेइंग एड्स की जर्नी पूरी आपको मैं बताता हूँ और कैसा मेरा ये टाइम रहा माई पेइंग एड्स में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अभी मैं अपने माई पेइंग एड्स में लॉगिन हो गया हूँ। तो इसमें क्या करना है मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। अभी मेरे को मैंने ज्वाइन किया था 21 मार्च को 2016 को। ठीक है, तो मेरे पास अभी दिखा रहा है ये $45 दिखा रहा है मेरे बैक ऑफिस की अकाउंट में। ठीक है, जो है आज तारीख हो गई है 11 जून 2016, तो ये हो गए नियर अबाउट 80+ डेज हो गए हैं मेरे को इसमें ज्वाइन किए हुए। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पास 5 रेफरल थे, 64 मेरे पास शेयर्स थे। शेयर मेरे काफ़ी बढ़ गए थे, 80 के नियर अबाउट हो गए थे, पर वो शेयर एक्सपायर हो गए। तो अभी एक्सपायर होने के बाद जो है शेयर्स मेरे को पूरी मेच्योरिटी देकर 64 अब दोबारा मेरे पास बचे हैं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं मैंने लगाए थे इसमें, जब मैंने स्टार्ट किया था एमपीए तो मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई थी इसमें $150 के नियर अबाउट। तो मेरे पास अभी आप देख रहे हैं मेरी जो सीड मनी थी $150, उसके डबल यहाँ पे एडपैक्स की अर्निंग दिखा रहा है। ठीक है, तो $380 डबल से भी ऊपर दिखा रहा है मेरे को अर्निंग। तो या इस पॉइंट पर मेरी ये स्ट्रेटजी है कि इस पॉइंट पर जब मैं इस पॉइंट पर पहुंच जाता हूं या जब मैंने अपनी जो सीड मनी लगाई है, सीड मनी मतलब जैसे मैंने जो अमाउंट लगाया, अगर आपने $200 से शुरू किया है तो आपका जब मेरे जब यहां पे 400 से अबव चल जाता है एड पैक्स की अर्निंग जो है 400 से अबव हो जाती है, तब मैं विड्रॉल करना शुरू करता हूँ इसमें से, अगर प्रोग्राम सही हो तो। ठीक है, हर प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है, ऐसा नहीं कि हर प्रोग्राम में जब आपकी सीड मनी डबल हो तभी निकालिए, आप पहले भी निकाल सकते हैं, बट आपको देखना पड़ता है कि प्रोग्राम की लाइफ कैसी है, प्रोग्राम कैसा लग रहा है, कितने मेंबर्स हैं जुड़े हुए या कितनी इसमें ग्रोथ आ रही है, आ भी रही है कि नहीं आ रही है, और ये कैसा है, कितनी रिटर्न दे रहा है, सब कुछ देख के उस हिसाब से हमें जाना पड़ता है आगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर प्रोग्राम में ही आप ऐसा करें कि सीड मनी जब डबल होगी तभी आप विड्रॉल कीजिए। ठीक है, तो इसमें जैसे अभी मेरे को $380 दिखा रहा है यहाँ पे, और मेरे जो इन्वेस्टमेंट थी 150 थी, तो मेरे को अभी सीड मनी से ऊपर मेरा अमाउंट चला गया, तो अभी मैं यहाँ पे विड्रॉल करूँगा आज। तो चलिए मैं आपके सामने अभी लाइव विड्रॉल करता हूँ। अभी मैं विड्रॉल करने के लिए मैंने पहले भी एक छोटा सा विड्रॉल किया था, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट विड्रॉल पे बटन पे क्लिक किया है तो मेरे पास अभी ये पेज दिखा रहा है, यहाँ पर करंट बैलेंस जो है सभी प्रोसेसर दिखा रहा है मेरे पास, पेजा कॉइन पेमेंट पेपाल वगैरह, इसमें पेपाल नहीं यूज़ होता ये ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा आप अगर मेंबर है तो। ठीक है, तो अमाउंट अमाउंट जो है मेरे को कितना विड्रॉल कराना है, मेरे पास कितना दिखा रहा था अभी $47 दिखा रहा था नियर अबाउट, तो चलिए $45 अभी मैं विड्रॉल कराता हूँ। तो मैंने कहाँ पे कराने हैं, कॉइन पेमेंट के थ्रू कराने हैं, बैलेंस अर्निंग बैलेंस में है मेरे। ठीक है, $45 मैंने लिख दिया यहाँ पे। टुडे लिमिट लिमिट जो है $200 की है इनकी डेली की, वीकली लिमिट 1600 की है, मिनिमम लिमिट $5 की है और मैक्सिमम $200 की विड्रॉल लिमिट है, विड्रॉल अमाउंट है। ठीक है, पर डे का। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अभी इसको एक बार, आप सारा रीड कर लीजिए, ये सब कुछ सही है, अमाउंट इतना, कॉइन पेमेंट प्रोसेसर है मेरा बिटकॉइन का। ठीक है, जो वॉलेट है मेरा उसमें आ जाएंगे कॉइन पेमेंट के थ्रू, अर्निंग बैलेंस से मैं निकाल रहा हूँ, विड्रॉल फीस कोई भी नहीं लग रही है, रिसीवेबल $45। चलिए सबमिट पे क्लिक करता हूँ मैं, तो देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरी जो है ये सिक्योरिटी क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना सिक्योरिटी आंसर इनपुट करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना सिक्योरिटी आंसर जो है इनपुट कर दिया है, सबमिट पे मैं अभी क्लिक करूँगा। सबमिट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे लिखा गया विड्रॉल रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, तो मेरी रिक्वेस्ट जो है सिस्टम में चली गई है और ये विड्रॉल जो है मुझे मेरे जो है अकाउंट में कॉइन पेमेंट में शो हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट अपनी डाल सकते हैं। देखिए अभी मेरे बैलेंस दिखा रहा है 0.73, तो इसका मतलब है मेरा जो $45 का अमाउंट था वो सारा निकल के वहाँ पे मेरे रिक्वेस्ट विड्रॉल की उसमें चला गया है, रिक्वेस्ट में एमपीए की रिक्वेस्ट में चला गया है, तो ये मेरे को विड्रॉल कुछ टाइम के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि यहाँ से मेरा विड्रॉल हो गया। ठीक है, तो जो चक्कर है मैंने सारा आपको बताया कि जो आपकी अर्निंग्स जो है एडपैक्स की अर्निंग डबल, मेरी जो स्ट्रेटजी है डबल्स के ऊपर हो जाती है तो मैं इसमें विड्रॉल कर लेता हूँ, अगर प्रोग्राम देख के प्रोग्राम अच्छा है कि नहीं। ठीक है, अब मैंने रिसेंटली कुछ और प्रोग्राम भी ज्वाइन किए हैं, बट उनकी जो है ग्रोथ जो परसेंटेज है डेली की 24%, मतलब काफ़ी हाई है, तो
आपको क्या करना है, आपको हर एक प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं होना होता, प्रोग्राम आपको देखना पड़ता है पहले कैसा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम अभी बहुत सॉलिड है, माई पेइंग एड्स, अगर अभी भी आप इसमें जो है ज्वाइन है, रजिस्टर हैं, बट अभी आप अपने फंड्स ऐड नहीं किए और अपना जो है पैसे लगा के अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं किए, तो आप बहुत ही लेट हैं। तो प्लीज़ अभी आप इसी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी 5 रेफरल हैं, तो इनमें कुछ रेफरल्स, एक दो रेफरल्स ने अभी तक फंड नहीं लगाया। बट अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप, अगर मेरे रेफरल नहीं भी हैं, अगर आप एमपीए में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो अभी हो जाइए, क्योंकि एमपीए जो है दी बेस्ट अभी प्रोग्राम जा रहा है, अभी जो है मार्च के महीने से, ठीक है, मार्च मार्च 2016 से ये बेस्ट जा रहा है, और ये पिछले साल से चला हुआ है, मार्च 2015 से चला हुआ है ये प्रोग्राम, ठीक है। पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी सिस्टम में, तो कुछ कारण से इसको बंद करना पड़ गया था पिछले साल, नियर अबाउट अक्टूबर के करीब 3-4 महीने के लिए बंद रहा, फिर इसको रीलॉन्च किया गया। तो इसमें आपको ये सीखने को मिलता है, ये आपको जो बात याद रखनी है कि ऑनलाइन में जब आप काम कर रहे हैं, तो सभी पूरा रिस्क आपका अपना होता है, ठीक है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि आप इस अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन किया और ये अपॉर्चुनिटी स्कैम हो गई, क्योंकि जो है रिस्क फैक्टर तो पूरा पूरा 100% का रिस्क होता है। बाकी आपको प्रोग्राम का ओनर और उसकी जो डिटेल्स देख के सब कुछ एंटर करना चाहिए, और जैसे कि मैंने किया है, तो मैंने आपके सामने अभी विड्रॉल करके दिखाया है, तो प्रोग्राम ये स्टेबल है और लाइफ लॉन्ग के लिए चला हुआ है, तो आपको भी ऐसे प्रोग्राम में ही ज्वाइन करना है, ठीक है। अब ये दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो सर्फ एड्स है, इनकी सर्फ एड्स का इन्होंने अपना लेआउट चेंज कर दिया है सर्फ एड्स का। पहले हम किसी और तरीके से सर्फ ऐड करते थे, अब इन्होंने 20 सेकंड की सर्फ ऐड कर दिया है, और जो कि एडवर्टाइजिंग जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे हमने जब भी पूरा क्लिक हो जाए, अपना सेकंड्स खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने बैक टू अकाउंट करना है, या फिर हमने अपनी न्यू साइट का ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको भी चलने देना है, ठीक है। मैंने तो अभी अपनी सारी जो एड्स अभी क्लिक की हुई हैं, तो मेरे को अभी ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे बैक टू अकाउंट जा सकते हैं, और वैसे तो आपको यहाँ पर ये कैप्चा करना होता है, जैसे ये कैप्चा दिखा रहा है, तो सेम यही यहाँ पे क्लिक करना होता है, आपने चेक करना होता है कौन सा सेम है। यहाँ पे क्लिक करके सेम फिर दोबारा आपको पेज लोड करने लग पड़ेगा आपकी नेक्स्ट नेक्स्ट ऐड के लिए, ठीक है। तो अभी अब मैंने किया हुआ है, तो मैं बैक टू अकाउंट जाता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी आपने देखा कि इस तरह से जो है माई पेइंग एड्स में अर्निंग आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दी, तो मेरे विड्रॉल रिक्वेस्ट मेरे पास पहुँच जाएगी कुछ ही टाइम में। और अभी जो एड पैक्स हैं, ये मेरा अभी मेरे पास अभी मैंने $150 लगाया था, तो मैंने अभी $40 to $45 के नियर अबाउट विड्रॉल कर लिया, तो मेरे को 2 टाइम और विड्रॉल करना है ऐसे 50-50 का, और मैं जो हूँ फिर प्योर प्रॉफिट में आ जाऊँगा। जो मेरा प्रॉफिट होगा प्योर प्रॉफिट होगा एमपीए से, मेरा कोई भी अमाउंट नहीं लगा, और फिर मेरे को सिर्फ कंपाउंडिंग करके मैं अपने अकाउंट को जब मर्जी ग्रो करूँ और जितना मर्जी पैसा निकालूँ, ठीक है। तो मेरा पैसा कोई भी नहीं डूबेगा, क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा निकाल लिया होगा। तो इस तरह से आप भी अपनी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी कुछ डिफरेंट हो सकती है। मेरी स्ट्रेटजी ये है इस प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिकली, और दूसरे प्रोग्राम में की आपको बात करेंगे, तो दूसरे प्रोग्राम्स में मेरी स्ट्रेटजी कुछ और होगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है इसमें लॉगिन वगैरह, तो मैं आपको अपना लिंक नीचे दे दूंगा माई पेइंग एड्स को ज्वाइन करने का, या फिर आप इस मेरे पेज पर आकर, यहाँ पर आकर आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो आपने क्या कहाँ जाना है, माई पेइंग एड्स पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो इस जो पेज पर ये जो रेफरल लिंक आएगा आपको, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा इसको, तो ये यहाँ पर आप आकर आप अपना साइन इन करेंगे, रजिस्टर करेंगे और अपना अर्निंग्स करने के लिए अपना अकाउंट रेडी करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से दिखेगा आपको, और फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक करना है, अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो, ठीक है। तो इसने, मैं आपको पीछे पहले ये दिखा दूँ कि इस प्रोग्राम ने अभी तक इसकी क्या अपडेट अपनी अपडेट्स हैं, जो अभी 83 डेज में क्या अपडेट्स हैं, जब से ये 20 मार्च 2015 से लॉन्च हुआ है। इसकी 1,51,000 बोल रहा हूँ, 1,51,000 जो है मेंबर्स हो गए हैं इसके अभी तक, और 7 मिलियन इसने पे आउट कर दिया है अपने जो है मेंबर्स को अभी तक, ठीक है। 7 मिलियन बहुत बड़ी बात होती है किसी प्रोग्राम के लिए। ये 7 मार्च से 17 मार्च से लेके अभी तक, आज तक आज 11 जून है, ठीक है। तो 7 मिलियन कैसे पे आउट कर दिया हुआ अपने जो है मेंबर्स को, तो आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम बिल्कुल स्टेबल चल रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपने ज्वाइन होना है, तो आप यहाँ पे साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप सबसे पहले जैसे ये बॉक्स आपके पास देखेंगे, तो यहाँ पे आपने स्पॉन्सर का नेम पढ़ना है। अगर आपका स्पॉन्सर का नेम उमेश वन आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मतलब है आप अपना यहाँ पे नेम, फर्स्ट नेम वगैरह डाटा डालकर सब कुछ रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपना पेमेंट प्रोसेसर आपने सेलेक्ट करना है, कौन से आपने करना है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, नहीं पता लगता कैसे करना है, प्रोसेसर आईडी क्या डालनी है या पेमेंट प्रोसेसर क्या होता है, तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको लिंक बताया है मेरे को कॉन्टैक्ट करने का स्टार्टिंग के वीडियो में, कैसे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है माई पेइंग एड्स से अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, तो अभी के लिए मैं ये वीडियो को यहीं बंद करता हूँ, और यही मेरा जो है रिव्यू था कि माई पेइंग एड्स का 83 डेज़ में मेरी जर्नी थी, कैसे और क्या मेरे को मेरे बैक ऑफिस में शो हो रहा था, और कैसे आप अपना आगे कर सकते हैं काम।
माय पेइंग एड्स के साथ, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिल रहा हूँ अभी कुछ और डाटा लेके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।